नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, इस महिंद्रा बोलेरो का चक्का ग्रीस कैसे होता है, इसके चारों व्हील हब के वेयरिंग को कैसे निकाला जाता है और कैसे फिट किया जाता है, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशीष मौर गुड्डू को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाकर कंफर्म कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं चक्का ग्रीस कैसे होता है। तो यहाँ पर व्हील खुल गया है। यहाँ से डिस्पैट कैलिपर पिन के बोल्ट को 12 नंबर टूल से खोल देंगे और इस तरह से बाहर निकाल देंगे। और इस तरह से इसको यहाँ पर रख देंगे। ये इसका डिस्पैड है जो अभी ठीक है। 19 नंबर टूल से कैलिपर फ्रेम को खोलकर बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर इस हब के ढक्कन को 14 नंबर टूल से खोल देंगे। दोस्तों, इस ढक्कन को यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। अब चकनट के लॉक को सीधा करेंगे और चकनट को इस टूल्स की मदद से इस तरह से खोलेंगे। इसमें दो चकनट लगे होते हैं। लॉक निकालने के बाद दूसरे चकनट को खोलेंगे। और इस तरह से दूसरे चकनट को भी खोल लेते हैं। अब पूरे हब को बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये इसका बैरिंग है और इसके अंदर ये सीम लगा हुआ है और ये एक सॉकेट लगा हुआ है। इसके हब आयल सील को निकाल देंगे। हब आयल सील अभी बढ़िया है, इसको बढ़िया से निकालेंगे इस तरह से। ये अंदर वाली बैरिंग है। सभी पार्ट्स और बैरिंग की धुलाई अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं। ग्रीस करने का मतलब ही यही होता है कि बैरिंग के अंदर जो पुराना ग्रीस हो वह धुलाई से निकल जाए और बेयरिंग के अंदर प्रेस करके ग्रीस को भरा जाए। दोस्तों, यह कस्ट्रॉल कंपनी का ग्रीस है, इसे मैं इसमें यूज करूँगा। तो सबसे पहले हॉब में ग्रीस को इस तरह से भर देंगे। ये छोटी बैरिंग है आगे की और ये बड़ी बैरिंग है अंदर की। इसमें दो तरह की बैरिंग लगी हुई है, एक छोटी बैरिंग बाहर के लिए और एक बड़ी बैरिंग अंदर के लिए। ग्रीस को बैरिंग में इस तरह से प्रेस करेंगे और ग्रीस बैरिंग के अंदर तक भर जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से बैरिंग को लगा देंगे। बैरिंग लगाने के बाद इस आयल सील को लगाएंगे। आयल सील को इस तरह से बैठा लेंगे। यहाँ पर हब के प्लेट को अच्छे से
साफ कर लिया हूँ। अब इस हब को इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। हब को लगाने के बाद सबसे पहले इस स्लिप को डालेंगे, उसके बाद इसमें जो भी सिम निकले हुए हैं उसको लगाएंगे। उसके बाद इस बेयरिंग को लगा देंगे इस तरह से। बेयरिंग के बाद इस प्लेन वाशर को लगाएंगे इस तरह से। इसके चकनट को लगाएंगे। और इसे चकनट टूल्स की मदद से टाइट कर देंगे इस तरह से। टाइट करने के बाद चेक कर लेंगे, ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हब बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब इसके लॉक को लगाएंगे और दूसरे चकनट को लगाकर अच्छे से टाइट कर लेंगे। और इस टूल्स की मदद से अच्छे से चकनट को टाइट कर देंगे इस तरह से। चकनट टाइट करने के बाद इसे यहाँ से लॉक कर देंगे इस तरह से। हब प्लेट में थोड़ा ग्रीस लगाकर इसे इस तरह से लगा देंगे। प्लेट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों कैलिपर फ्रेम को भी अच्छे से साफ करेंगे, इस रबड़ को निकाल देंगे, इस पिन को भी निकालेंगे इस तरह से। दोस्तों इसमें जो पुराना ग्रीस है वह सूख गया है। इस कैलिपर पिन के जाम होने से चक्का गर्म होता है, इसलिए इसे अच्छे से साफ करेंगे इस तरह से। यहाँ दूसरे पिन को भी अच्छे से साफ कर लेंगे इस तरह से। और कैलिपर फ्रेम के अंदर भी इस पेचकस की मदद से अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह से इसको साफ कर लेना है। साफ होने के बाद इसे फिट करते हैं। इस रबड़ को पिन में इस तरह से लगा देंगे। रबड़ पूरा अच्छे से बैठ जाना चाहिए। ग्रीस लगाकर पिन को लगाएंगे। पिन इस तरह से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से कैलिपर पिन फ्री होना चाहिए। दूसरे कैलिपर पिन में इस रबड़ को अच्छे से लगा देंगे इस तरह से। कैलिपर फ्रेम को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। बिस्पैड के पत्ती को लगा लेते हैं। बिस्पैड को पेपर से साफ करेंगे। और डिश रोटर को भी पेपर से साफ कर लेते हैं। डिस्पैड को
यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। कैलिपर असेंबली को इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से लगेगा। नीचे वाले पिन को लगाएंगे। इस रबड़ को अच्छे से बैठा देते हैं इस तरह से। इस वाले रबड़ को भी अच्छे से बैठा लेंगे। कैलिपर पिन के बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ पर हब हल्का टाइट घूम रहा है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो आपने देखा ग्रीस कैसे होता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसी तरह से दूसरा चक्का भी ग्रीस होगा। इस वीडियो में अगला चक्का ग्रीस हुआ है, पिछला चक्का कैसे ग्रीस होता है इसे मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, और ब्रेक लेदर कैसे बदला जाता है और ऑटोमेटिक ब्रेक लेदर को कैसे निकाला जाता है, तो पार्ट 2 को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।